अपना सामान उसमें खाता है, कोशिश करता है। रखो साइड में, केबल टाई काट दो ना। इतना केबल खींचे नहीं, आराम से घुमाओ इसको, घुमाओ पहले इसको खोल के चेक कर लो कि मोटर का वाइंडिंग गया है कि बेयरिंग जाम हुआ है, बराबर है? नीचे चेक कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि फैन तो जाम हुआ है, बेयरिंग तो गया है, वाइंडिंग भी बचा है कि गया है ये भी चेक करना पड़ेगा ना। अरे साइंटिस्ट करेगा ना, साइंटिस्ट को देने से पहले अपने चेक कर लें। कंडेंसर फैन मोटर चेंजिंग वर्क, डैमेज हो गया, स्पार्क हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ है, बाइंडिंग गया। लेकिन फिर भी वेंचर निकलेगा ही नहीं, एलन की लगा है ना, लग रहा है। W40 डालना पड़ेगा क्या? खुल गया, खुला 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 ना, खुल गया। क्या हीटअप भी बहुत हुआ है ना, उसकी वजह से भी थोड़ा ज्यादा टाइट हो रहा था। ये स्टैंड खोलोगे ना तब जाके ये एलएनटी घूमेगा। 1500 एक ये वाला खोलो, एक उधर वाला, तब जाके एल एन की घूमेगा। 15 लग ही नहीं रहा, 16 लग रहा है ये एल एन की। थोड़ी का सीआरसी गई है, इतना कौन और मारो, थोड़ा इधर मार दिए, पलटी मारता हूँ, पलटी मार के मारता हूँ। दीजिए कितना पिला रहा है, वो टूटा हुआ कहेंगे सर। हाँ, बाइंडिंग चेक करो इसका, कंटिन्यूटी पे डालो इसको, आपस में देखो, आपस में पहले शॉर्ट करो। हाँ ओके, ग्राउंड के साथ तीनों टर्मिनल को, वो तो डैमेज हुआ है पूरा, दिख ही रहा है। और ऐसे कैसे नहीं आए, ग्राउंड तो लगा हो अच्छे से, यहाँ लो ग्राउंड तो आ भी तो है ना, यहाँ लो। हाँ देखे, हाँ हाँ, इतने बुरी तरह से डैमेज हुआ है, कोई चांस नहीं है। टर्मिनल ही बता रहा है इसका, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, किधर से भी कोई आदमी लगा लेगा। ये एल एन की नहीं खुल रहा है ना।
आप इजली खोल सकते हो इसे। आप लेकर लीजिए, मैं ये करता हूँ। ये न्यू मोटर है कंडेंसर फैन के लिए, इसका है। 1.9 किलोवाट 2.5 एचपी एंड एम्पियर टेकिंग 4.5 और 15 वोल्टेज 50 हर्ट्ज कंडेंसर फैन। न्यू मोटर कंडेंसर फैन रिप्लेसमेंट, इसको चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। इसका कंटिन्यूटी पे सेट करके 1 मिनट। इसका कंटिन्यूटी टेस्ट लो ग्राउंड से। इधर 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 लगाओ, ये यहाँ लगाओ, इधर लगाओ। लो ग्राउंड में लो, हाँ इधर लगाओ। ओके है, ओके है एंड ओके है। ग्राउंड टू ग्राउंड देखो, ग्राउंड टू ग्राउंड है, ओके है, ठीक है। एक एलेंकी वाला उधर होगा तो यार भूल जाता है, इतना एलेंकी तो ये हो गया, ऐसा नहीं होता। कोई कनेक्शन भी हो गया है, कार्रवाई भी। ब्लेड इंस्टॉल हो रहा है, हमारे साथी विकास इंजीनियर जो हैं तो कंडेंसर फैन रिप्लेसमेंट का काम कर रहे हैं। इनको आप देख सकते हैं, थोड़ा हेलो कर दीजिए। ये एलनकी अच्छे से टाइट होना चाहिए भाई, इसमें नीचे जो ये स्क्रू है ना, ये भी प्रॉपर फुल लोड पे। पकड़ से उसको
ठीक है, ये लगा दो। ये भी बैठा नहीं है थोड़ा। जाली लगा दो। अब हम इस फैन के कनेक्शन, जिस फैन को रिप्लेस किए हैं वहाँ पे न्यू फैन इंस्टॉल किए, अभी उसका कनेक्शन कर रहे हैं RYB 156, 157, 158 पे कनेक्शन होगा। उसके बाद इसमें पावर सप्लाई देके इसका रोटेशन चेक करेंगे। हमने ये कनेक्शन कर दिया है RYB का, जैसा कि आप देख सकते हैं RYB का। अगर पावर सप्लाई देने के बाद रोटेशन चेक करते समय रोटेशन रॉन्ग रहेगा तो हम इन दोनों में से YB में से कोई भी वायर को इंटरचेंज कर देंगे आपस में, तो रोटेशन ओके हो जाएगा। चलिए अब पावर सप्लाई देके इसका रोटेशन चेक करते हैं। बंद बंद बंद। LNT वाला कॉन्टेक्टर 2 सेकंड के लिए प्रेस करो। प्रेस करो LNT वाला कॉन्टेक्टर 2 सेकंड के लिए। ओके, एक बार और करो, प्रेस करो। ओके, रोटेशन ओके। ग्लास मारो, ग्लास दिखाई नहीं रहा। क्या हो गया कैमरे को? वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है। R-phase 4.9, 5.1 B-phase, Y-phase, and B-phase 5.0. Okay. कंडेंसर रिप्लेस, फैन मोटर रिप्लेसमेंट वर्क डन हो गया।